दोस्तों आपने देखा हो जो पेटीएम का रेंटल प्लान है सबका अलग अलग होता है, यानी किसी का 69, 125, 49 ऐसा होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हमें 69 देना पड़ता है, बाद में 125 हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, इसके पीछे कोई लॉजिक है या पर यूं ही ये लोग ऐसे करते हैं? तो आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा इसके पीछे क्या रीजन है, इसको कैसे सही किया जा सकता है, पॉसिबल है भी या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, खैर अब तो वो भी सफेद हो गया है, उस पे डंबल फेंक के मारो या प्रोटीन का डब्बा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों क्या होता है, जो पेटीएम का कहना है वह यह होता है कि हमारा जो प्लान है हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फिक्स रेट नहीं होता है। हर सिटी में इनका अलग अलग, तो हर एरिया में भी अलग अलग होता है। लेकिन अब बात आती है, अगर मेरे को 69 मिलता है तो 125 कैसे हो जाता है? अब इसमें इनका क्राइटेरिया है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, आप कितना पेमेंट एक्सेप्ट करते हो। आप जैसे पेमेंट ज़्यादा एक्सेप्ट करते हो सकता है किसी महीने में आपका जो रेंटल प्लान है वो माफ भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो डिपेंड करता है आप पेमेंट कितना एक्सेप्ट करते हो, जैसे आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो वैसे आपका जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, अगर आपका 49 लगता है, 69 लगता है, 125 होता है, तो वो ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या होता है, जब भी आपका ऊपर नीचे होता है। और पेटीएम खुद भी बोलता है कोई भी अगर आपको ऑफर देता है या फिर कुछ भी कैशबैक देता है, कुछ जो भी हो, उसके टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है कि हमारा जो रेंटल प्लान है ये कभी भी अप डाउन हो सकता है। तो यही सब कारण है रेंटल प्लान को अप डाउन करने का। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा और ऐसी नॉलेज वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।